सावन और भादो पवेलियन, एक पवेलियन ये और एक पवेलियन वो सामने, ये दोनों पवेलियन दो मंथ्स के नाम पे रखे गए थे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जो कि मतलब रेनी सीजन होता है। और मेरे ख्याल से यहीं बैठ के बारिश में मस्त एम्परर अपनी चाय और पकौड़ी खाते होंगे। आ गए हैं हम म्यूज़ियम में, अपने पहले म्यूज़ियम में, मतलब यहाँ पे तीन चार म्यूज़ियम है और सबका एक ही में टिकट इंक्लूडेड है। बहादुर साहब, गब्बर, नाना साहेब, मराठा, मुग़ल, मराठा, रानी लक्ष्मीबाई, तो ये जो म्यूज़ियम बनाया गया, ये बनाया गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब कॉलोनियल ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, कॉलोनीज बनना स्टार्ट हुई थी, तो जो ब्रिटेन ने कई देशों पे कब्ज़ा किया था, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज़ भी बहुत सारी थी, स्पेन वगैरह, तो उन सब ने भी अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने भी अपनी लड़ाइयाँ लड़ना स्टार्ट की। तो यहीं पर सर मतलब छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं दीवारों पे लगाई गई हैं, और प्लस ये हथियार जो यूज़ हुए थे, तो ये सारी चीज़ें वॉर लड़ने में यूज़ हुई थी। तो बस ये उन्हीं स्ट्रगल्स को याद करने के लिए ये म्यूज़ियम बनाया गया है। सिपाही बने स्वतंत्रता सेनानी। हुआ क्या, जब ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर कब्ज़ा किया, तब कुछ तो अपनी किस्मत मान के उसी में रंग गए, लेकिन कुछ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार हमारे ही देश में हम ही कोई ऐसे आगे कंट्रोल करे, दिस इज़ नॉट फेयर। तो ब्रिटिश आर्मी में ही कुछ हमारे जो इंडियंस थे, उन्होंने उठा लिया हथियार, जो कि हथियार यहाँ रखे गए हैं, और मेरठ में 1857 मई 9 to 10 1857 से इसकी स्टार्ट हुई, और जन्म लिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया ने, लाइक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया ने। सो काफ़ी कमाल की बात है। मेरठ में क्रांति केंद्र जहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ था, गोल भाटा से, मेरठ कैंटोनमेंट से और मेरठ जेल से। यहाँ पे टोटल चार म्यूज़ियम है, जिसमें से एक ये वाला था, ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें यही था जो अपनी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में हुई थी ब्रिटिशों के खिलाफ, जिसमें कि सिपाहियों ने एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खुद लीड किया, खुद इनिशिएटिव लिया, खुद ओनरशिप ली अपने नेशन के लिए। सो उसी की स्टोरीज़ वगैरह थी सब इसमें। छोटा है बट बहुत मीनिंगफुल म्यूज़ियम था। अब चलते हैं दूसरे वाले में, नेक्स्ट जो बिल्डिंग है। ये आ गए हम दूसरे वाले म्यूज़ियम के पास, अब चलते हैं अंदर। एक बार फिर कैमरा बंद करेंगे, टिकट दिखाएंगे, अंदर जाएंगे, फिर रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। ये जो जगह बनाई गई है, ये जलियांवाला बाग के ही ऊपर बनाई गई है, उसका मतलब एक कॉफी टाइप का बोल लीजिए वैसा बनाया गया था। तो यार जलियांवाला बाग में हुआ क्या था कि 1919 में कुछ लोग इकट्ठा हुए, अपना बैसाखी का वक्त था और उसमें वो लोग अपना त्यौहार मना रहे थे, उसी में बीच में थोड़ा अब्सेंस, उस समय देश में हर जगह ही ऐसा कुछ ना कुछ डिस्कशंस तो होती रहती थी इंडिपेंडेंस को लेकर, उसी में उन्होंने इंडिपेंडेंस भी स्टार्ट की, और उसमें थे उनके लीडर, बहुत बड़े लीडर, उनके नाम नहीं याद आ रहा, और अंग्रेज़ों को मौका मिला, घेर लिया और गोलियां चला दी। मतलब आप कायरता की एक हद होती है, एंड दिस इज़ वे बियॉन्ड इट, मतलब जितना नीचे गिर सकते थे अंग्रेज गिर गए, शेमलेस, लिटरली शेमलेस।
इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वॉर। अब ये वाला जो म्यूज़ियम है ये मेरे बहुत दिल के करीब बस रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने अपनी किताब कंप्लीट की है ऐसे ही कुछ करके, कि इंडियन सोल्जर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वॉर में, वर्ल्ड वॉर टू में बेसिकली, तो हमारे ही आदमी लेकर लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, ब्रिटिशरों ने, जापानीज ने, जर्मन्स ने। एक इसी से किस्सा याद आता है कि हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू के वक्त कहा था, मतलब एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप में किसी पब्लिक प्लेस पे ये चीज़ कहा था कि अगर आप मुझे गोरखा अपनी रेजिमेंट दे देंगे तो मैं पूरा विश्व जीत लूँगा। ये थी, ये वैल्यू थी हमारी इंडियन सोल्जर्स की, ये रुतबा था उनका। तो म्यूज़ियम से हमने घूम लिया, मैं लास्ट के दो म्यूज़ियम में नहीं जा रहा क्योंकि अभी मुझे आगे भी जाना है बहुत, और थोड़ा सा टाइम स्ट्रेंस है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, निकल के लंच करते हैं, 2 बज गए हैं। और मुझे कभी किसी ने बोला था कि यार आपके व्लॉग में ना बार बार आपका खाने का जिक्र बहुत आता है, मतलब आप बहुत खाते हो। मैंने शेर देख के नहीं लगता वैसे कि मैं बहुत खाता हूँ, बस स्टिल इसमें भी यही डाल देते हैं फिर कि चलिए कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए। और तो चलते हैं सामने चांदनी चौक और वहाँ कुछ लंच करके फिर चलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मैं बताऊँगा नहीं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अभी तक मैंने डिस्कस भी नहीं किया वीडियो में। और ये मेरे लिए भी लाइक फर्स्ट टाइम है, मैंने हर जगह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा उस जगह के बारे में, और मैं किसी से पूछता हूँ अपने आसपास जो भी लोग हैं कि यार गए हो क्या वहाँ पे, सब मना कर देते हैं कोई नहीं गया है, तो पता नहीं जा कौन रहा है वहाँ पे। बट कोई नहीं, आज हम चलते हैं, रिकॉर्ड करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए मिलते हैं वहीं पे, यहाँ से बोल देते हैं टाटा, फिर मिलते हैं आगे। तो यार हम लोग आ चुके हैं चांदनी चौक, और यही वो रोड है जो न्यूली डेवलप्ड है, मतलब ये पहले नॉर्मल रोड थी, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा फैंसी थोड़ा सा बना के, दिल्ली गवर्नमेंट ने ही बनाया है और इसको थोड़ा सा सुंदर बना दिया। तो अभी ये लोगों का पिकनिक स्पॉट बन चुका है, लोग शाम को यहाँ पर आते हैं। अब शाम को क्या होता है ना, ये लाइटें वगैरह जल जाती है तो और थोड़ा सा सुंदर लगता है। और बाकी यहाँ पर दुकान भी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की, उन लोगों ने भी काफ़ी बेहतर बना लिया है अपनी चीज़ों को। और ऑब्वियसली बात है, मतलब एक जगह डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो डेवलपमेंट इज़ कंटेजियस, तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। यार थोड़ा सा ना उमस वाला मौसम हो गया है और लग रही है बहुत तेज प्यास, तो अब जब चांदनी चौक आए हैं तो एक बढ़िया सा लंच करते हैं कहीं पर, और फिर कुछ गला ठंडा करते हैं और इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो अभी मैं यहाँ ढूँढूँ, वैसे सबसे मतलब एक प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि यहाँ पे आपको मतलब इतनी सारी दुकानें मिलेंगी ना कि आप चूज़ नहीं कर पाओगे कि आप क्या खाओ क्या पियो। और चांदनी चौक वगैरह में थोड़ा सा नॉनवेज जो मतलब पुरानी दिल्ली वाला जो टेस्ट है वो आपको ज़्यादा मिल जाता है, वेज में यहाँ पे ऑप्शंस वही नॉर्मल है जो आपको हर जगह मिलते हैं। लेकिन अगर आप चांदनी चौक आते हो फिर आप ये सोचते हो कि मैं कुछ स्पेशल खाऊँ जो यहाँ का कुछ लोकल है, तो आप यहाँ मोमोज तो नहीं खाओगे आपकी, ऑब्वियसली बात है। तो चलिए ढूंढते हैं कुछ, अदरवाइज यहाँ पे हल्दीराम तो है ही है, तो हल्दीराम इज़ एवरग्रीन एज ऑलवेज, तो हल्दीराम ही चलेंगे। ये SBI का जो यहाँ वाला ब्रांच है, ये दिल्ली का पहले मेन ब्रांच था, दिल्ली में मतलब सबसे बड़ा ब्रांच यही था। अब लेकिन अब देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग हो गई है इसकी। और ये एक लौती रोड है जहाँ पे गुरुद्वारा भी है, पीछे वहाँ मंदिर भी है, ये सामने यहाँ पे चर्च भी है, और यहीं कहीं मस्जिद भी है। अब मस्जिद मेरे ख्याल से वहाँ आगे, वो मतलब ये गुरुद्वारे के जस्ट आगे वहाँ कहीं मस्जिद भी है। तो एक ही सड़क पे चारों चीज़। तो अगर आप वो बात करते हैं कि यूनिटी की डाइवर्सिटी, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो आपको इस रोड पे पर्टिकुलरली मिल जाएगी। ये आ गए हम हल्दीराम में, ये दिल्ली का सबसे पुराना हल्दीराम है, चांदनी चौक वाला हल्दीराम जो कि बहुत फेमस है। और लेकिन अब ये वैसा हल्दीराम नहीं रहा जैसे स्टार्टिंग में था। अंदर चलते हैं, इतनी सी भीड़ है, कुछ खाने को लेते हैं फिर करते हैं बात। यार हल्दीराम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हल्दीराम से बाहर आके यही जस्ट यहीं बाहर एक दुकान थी, यहाँ से मैंने लिए हैं ये पाव भाजी मुंबई वाले,
फेमस पावा जी और दुकान ये है सामने 100 रुपये का ही है और रोड कॉर्नर खड़े होके खाना है। तो यार लंच तो हो गया, इतना कुछ खास नहीं था, ठीक है, मतलब हल्दीराम वाली बात तो नहीं थी, बट नाम है तो दाम है, 100 रुपये का पाव भाजी था एंड इट वॉज वर्स्ट। बट चलिए ठीक है, लंच करके अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, अब वहीं चल के मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है दिल्ली में और उमस भी है, धूप भी डायरेक्ट पड़ रही है सर पे, अब थकान हो रही है और अभी तक एक ही डेस्टिनेशन हुआ है। मैं ये नहीं चाहता बस एक डेस्टिनेशन करके मैं घर निकल जाऊँ, बिकॉज इससे मतलब अनसक्सेसफुल ट्रिप मेरा फिर कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे।